सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपको यहाँ पे आके नाश्ता करना है और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करना है, अगर रात को सुबह सुबह सिंगरा के साथ चाय नहीं मिल जाएगा एंड द प्राइस इज आल्सो रीजनेबल। सो गाइस नाउ वी हैव टू क्लाइम अप, सो दिस विल स्टिल रिमेन आई थिंक 1 किलोमीटर मोर देन वट एवर वी हैव कवर्ड राइट। गाइस ऊपर से सीन ही है, ये व्यू आ रहा है, अब देख सकते हो कैमरा की स्क्रीन पर। जंगल क्या डूब पाना बेसि एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो दोस्तों बहुत मजेदार भाई, बहुत मजेदार रहा था ये एक्सपीरियंस। अगर आप लोग जरूर करना इधर पे आके, आपको कुछ बोलना है? कुछ नहीं बोलना है हमको, बहुत दौड़ डालना है। हेलो गाइस, चिरेली अभी हम जा रहे हैं लेकर सब्जी से बनाएगा खाएगा। और ये नया एक्सपीरियंस है, जिंदगी में पहली बार आया हूँ हवा चप्पल पहन के। ये हवा चप्पल पहन के और स्कूटर लगा के, और जो रात का जो समय था हम लोगों के लिए बहुत ही मजेदार समय था। ठंडी ठंडी मौसम में सोया है, कम्बल किसी ने रख के भी नहीं दिया था। उसके बाद उसको जब ठंडी लगी, ठंडी लगी तब निकाला, तब निकाला साले ने, तब निकाला। आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी जेल में आने का? बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, बहुत ही अच्छा रास्ता। हम सोच रहे रास्ता और छोटा होना नहीं चाहता, तभी और ज्यादा मजा आ जाता है। आता है जितना ऊपर पहाड़ होगा ना उतना ही ऊंचे से पानी आएगा। तो गाइस देखो कैसे चढ़ाई करना पड़ा है, देख सकते हो गाइस। सुबह सुबह सीन देखो, पूरा पहाड़ के ऊपर से एकदम तो गाइस आप देख सकते हो हिल, फिर से हम लोगों को ये ट्रैकिंग करना पड़ेगा आफ्टर 1 आवर्स ट्रैकिंग ऑलमोस्ट। नाउ वी आर गोइंग टू अगेन क्लाइंब अप दिस हिल। কালকে তারা যে বাংলাদেশের মানুষ দেখবো ভালো লাগবো না?
तो गाइस आप देख सकते हो ये कितना खतरनाक रास्ता, जहाँ से चढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, मतलब एक एक स्ट्रीट है यहाँ पे बना हुआ, बहुत ही डेंजरस। यू हैव टू वेरी केयरफुल व्हाइल ट्रैकिंग द सीन। ये है कि देखो कितना पसीना छूट रहा है आफ्टर ट्रेकिंग 2 आवर्स, मतलब पूरा हाल निकल गया। तो अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं मैं और तो गाइस देख सकते हो कि हमारा पसीना कितना छूट रहा है, मतलब पूरा हालत खराब है। अभी भी हम लोग उस मंदिर पे नहीं आया जहाँ पे एक्चुअली पानी चढ़ाना है सिर्फ लिंग पे ऊपर। तो चलो रास्ते में साथ रहो मेरे साथ और जाने का भी मजा लो। हम लोग आ गए हैं मंदिर में। गाइस कितना पॉपुलरिटी है, और मतलब अब देख सकते हो जल सलाब देख रहे। सीन ये है कि यहाँ पे हम लोग जहाँ पे नहाना है वहाँ पे पहुँच गए और अभी सिर्फ नहाना है कपड़ा उतर के, आफ्टर दैट नीति ठीक है। सो जस्ट वी नीड टू टेक शावर एंड शावर देन वी विल गो टू द टेम्पल वेयर इट इज सिचुएटेड एंड देन वी विल पोर वाटर ऑन द शिवलिंग देन वी विल कम बैक टू द फ्रॉम दैट प्लेस। तो गाइस जहाँ से पानी निकल रहा है वहां से आप देख सकते हो भगवान शिव की फोटो लगा हुआ है। तो गाइस सीन ये है, मेरा नहाना खत्म हो गया और अभी पानी लेना है ऊपर में। ऊपर से एक तालाब है तो तालाब से पानी लेकर बस शिवलिंग के ऊपर पानी चढ़ा के बस हमारा यही तक खत्म है। और मतलब आफ्टर टेकिंग बाद इट्स जस्ट लाइक आई फील सो मच गुड, सो मच गुड। सो द एक्सपीरियंस जो भी रास्ते पे रहा था, मतलब यहाँ पे नहाने के बाद मैंने तो थोड़ी देर पहले दिखाया है तुम लोगों को, तो अलग ही लेवल के एक्सपीरियंस है। बहुत मज़ा आया यहाँ पे इस ट्रैकिंग में, जितना मैंने दूसरी जगह पे गया उस मतलब कहीं भी बहुत मातावरी भी गया उधर, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पे ट्रैकिंग करने जितना मज़ा आया ना, बहुत लोग सारे सब लोग एक साथ ऊपर वाले के नाम शिव जी के नाम लेके मतलब ट्रैकिंग कर रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट। सो गाइस वी आर स्टिल नाउ ट्रैकिंग दिस रूट, सी द व्यू एंड oh my god above, I just need one dive.
द टेम्पल एंड राइट नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द टेम्पल। अब जैन सैलाब देखिए, मतलब पूरा हिल्स में घिरा हुआ है, इतना चढ़ाई करने के बाद दिस इज द राइट हेयर टेम्पल है। This is the right here, the temple is built up. फाइनली वी आर ऑन द लाइन टू पोर वाटर ऑन द शिवलिंग। तो हम लोग पहुँच चुके हैं लाइन पे और अभी पानी डालना है, दरअसल हम लोग खड़ा हुआ है। तो आगे चलिए देखते हैं नज़ारा और साथ में जितना भी अंदर में मंदिर कैसा दिखता है और क्या क्या है सब कुछ देख पाओगे आप मेरे साथ। तो जाने में साथ रहिए। सो गाइस यू कैन सी द व्यू ऑफ ऑल द areas in front of the temple। हम लोग मंदिर के बहुत नजदीक है और लगभग हम आ चुके हैं और से मतलब 20 मीटर्स डिस्टेंस बाकी बचा है जो स्थित है। तो आप देख लीजिए मंदिर कितना दूर है, आप समझ ही सकते हैं। तो यही वो मंदिर है जहाँ से इतना चराई चढ़ के आया हूँ। आप बोलो, आप बोलो, तुम बोलो। सो दोस्तों अनिल हम लोग पहुँच चुके हैं भोलेनाथ के मंदिर में, बाबा के मंदिर दरबार में। कुछ ही वक्त में हम लोग भोलेनाथ के अगले राउंड में के लिए। और क्लोज आ चुके हैं हम लोग इधर मंदिर के पास ही। तो आप लोग देख लीजिए नज़ारा दिल है भुवन बाबा की, यहाँ पे अभी अभी द राइट हियर द टेम्पल विच इज सिचुएटेड बिल्ड अप बाय द कमिटी। और भुवन बाबा की जो मंदिर है पूरा इंडिया में फेमस है, पूरे दुनिया में भी फेमस है शायद से। और जैन सैलाब देखो यहाँ पे आरती चढ़ा रहा है और ये मंदिर का बाबा जी यहाँ पे बैठा हुआ है एकदम मंदिर के बगल में ही। सो दिस इज द केव हियर एंड इन दिस केव देयर इज वन शिवलिंग एंड गाइस यू कैन आल्सो वर्शिप इन दिस शिवलिंग। ये जो आप देख रहे हो बाहर का नज़ारा है, मतलब इस गुफा के बाहर है और मैंने अंदर गया और उसके बाद पूजा भी किया। तो गाइस ये बाहर का नज़ारा है और अंदर कैमरे अलाउड नहीं है तो मैं कर नहीं पाया अंदर का, और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि रूल शुड नॉट बी ब्रोकन। सो गाइस पूजा देना भी ख़त्म और अभी मतलब अंदर में जो भी पानी डाल लिया हम लोगों ने और मंदिर के अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। बहुत अमेजिंग फीलिंग्स है यहाँ पे और बाहर का नज़ारा भी बहुत मस्त है एकदम। ये देख सकते हो So guys you can see the view of the outside of the temple। बाबा लोग है यहाँ पे बैठा हुआ है सब और अभी उन लोगों ने प्रसाद ले रहा है। तो आप नजारा देखिए गुलाब জীবনে কি করলাম সব বল মাস্টার বন্ধ কর তোর মা তেরা বাড়ি গোছ না তোর মা কালি বাড়ি খালি বম বম বলে তোর বম বম ওম শান্তি জগ শান্তি তোর মা যা
मंदिर के पास ही जो मैदान है उस ग्राउंड में बैठा है सारी बाबा लोग। देखने में बहुत अच्छा लगता है। भगवान भोलानाथ मंदिर निर्माण इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपको पूरा भुवन की जर्नी अच्छा लगा तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस प्लीज एंड अप्रिशिएट ऑल द टाइम दैट आई कैन गेट एनर्जी टू मेक द वीडियो अगेन एंड अगेन फॉर द यू एंड सो प्लीज शेयर कर देना दूसरे के साथ ताकि वो लोग भी ये पूरा नजारा देखे और जाने इस भुवन बाबा के बारे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय।